Hello and hello friends, my name is Abhishek Singh Bisht and welcome to my gaming channel Early Access. तो आज की इस वीडियो में भाई मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ गेम लैग के बारे में। तो आप में से बहुत से कम यूजर्स को पता होगा या गेमर्स को पता होगा कि हमारी जो गेमें होती हैं काफ़ी ज़्यादा लैग करती हैं और उस बात का हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते या फिर ध्यान भी देते हैं तो उसके सॉल्यूशन हमें पता नहीं होते, उसको सॉल्व करें हमको ये नहीं पता उसके रीजंस क्या होते हैं। तो मैं आज ये दोनों की दोनों बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा साथ साथ कि फ्री फायर के साथ क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा गेम लैग। तो यार शुरू करते हुए मैं आपको पहले सबसे पहले बताता हूँ पिंग क्या होती है। तो यार पिंग जो होती है हमारी किसी भी नेटवर्क के पास तीन तरह की स्पीड्स होती हैं, जो कि पहली स्पीड जो होती है हमारी वो होती है डाउनलोड स्पीड जो कि Mbps में होती है, और दूसरी होती है अपलोड स्पीड जो कि Mbps में होती है, तीसरी होती है पिंग जो कि MS में होती है। अब यार आपको ये तो पता होगा डाउनलोड और अपलोड के बारे में, पिंग क्या होती है ये थोड़ी सी नई चीज़ है। तो पिंग जो होती है हम किसी भी नेटवर्क की लेटेंसी या उसकी रिएक्शन स्पीड, दोनों की दोनों इसके तीन नाम है, लेटेंसी स्पीड, पिंग स्पीड और या फिर रिएक्शन स्पीड, इसको अलग अलग नामों से इन तीनों नामों से जाना जाता है। अब इसके बाद यार जो पिंग होती है ये किसी भी सर्वर के साथ हमारा रिएक्शन टाइम होता है, किसी भी नेटवर्क का रिएक्शन टाइम, यानी कि हम यहाँ पे जो कोई सा भी रिएक्शन दे रहे हैं और उसको हमें रिस्पॉन्स कितनी जल्दी मिल रहा है उस गेमिंग सर्वर से, वो हमारी पिंग स्पीड कहलाती है। तो अलग अलग गेम्स में ये पिंग अलग अलग तरीके से यूज़ होती है, जो कि हमारी जो प्लेयर बेस्ड गेम्स होती हैं उसमें ये पिंग इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। मतलब कि प्लेयर बेस्ड गेम्स ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें एक प्लेयर के बाद दूसरे प्लेयर को टर्न मिलता है खेलने का। इन गेम्स में हम लोग चेस और लूडो जैसी गेम्स को रखते हैं। अब इसके बाद जो हमारी और शूटिंग गेम्स मतलब पबजी, फ्री फायर CS:GO मतलब कि काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल, और उसके बाद फोर्टनाइट, ऐसी कई सारी गेम्स होती हैं जो कि हमारी फर्स्ट शूटिंग गेम्स होती हैं, इनमें पिंग काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती है। पिंग को समझाने के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो आप पांच यूज़र देख रहे हो इसमें से पहले यूज़र और ये पांचों के पांचों किसी एक गेमिंग सर्वर पे हैं, और बीच में है गेमिंग का सर्वर का सेंटर यानी कि हेड सर्वर। अब ये सारे किसी गेम में अगर पहले बंदे ने दूसरे बंदे को स्पॉट कर लिया, उसने शूट किया तो शूट करा उसने, तो जो उसकी तरफ से रिस्पांस गया कि शूटिंग का ये मेन सर्वर पे गया, और उसके बाद वो रिस्पांस कितनी जल्दी से वापस मिलता है, जाने और आने में कितना टाइम लगता है वो MS होगा मिलीसेकंड्स, ये कितनी जल्दी गोली लगी और उसको कितनी जल्दी डैमेज पहुंचा ये उसके सर्वर पे कितनी जल्दी होता है ये उसकी मिलीसेकंड्स की या पिंग स्पीड है उसकी। तो यहाँ पे इसको लगा 250 MS और इसको लगा 100 MS, तो इस बंदे को जिस बंदे ने शूट किया इसकी गोली उस बंदे को काफ़ी देर बाद जाके लगेगी जबकि वो वहाँ से निकल चुका होगा। तो ये इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे जो पिंग होती है इसको हम लोग MS में नापते हैं जिसका मतलब होता है मिली सेकेंड्स। किसी भी गेम की जो एक आइडल पिंग स्पीड मानी जाती है वो 100 मानी जाती है। 100 से अगर आपकी पिंग नीचे है तो आपका गेमिंग सर्वर काफ़ी अच्छी तरह काम कर रही है, आपकी पिंग स्पीड काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे जो 100 होता है, अब कई सारी गेम्स में ये 999 प्लस हो जाता है, मतलब कि 999 से भी ज़्यादा वो स्पीड निकल चुकी है, जिसका मतलब ये होता अब आपको जो टाइम लगेगा वो 1 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। अगर 100 का मतलब होता है 0.1 सेकंड, और जहाँ पे 999 प्लस का मतलब होता है 1 सेकंड। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी कई सारे रीजंस होते हैं जो कि गेम लैग के लिए जरूरी के लिए हैं। तो उसमें अगला रीज़न जो सामने आता है वो हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब कि अगर मैं यहाँ इंडिया में गेमिंग कर रहा हूँ, मेरा सर्वर US का है, तो US से इंडिया में मेरे को अपना डाटा पहुँचाने और लाने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, मेरे पिंग को काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण मेरी पिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मेरी MS ज़्यादा होगी जिसकी वजह से मेरा लैग होगा। मतलब साफ सीधी बात, यानी कि अगर आप अपने कंट्री के गेमिंग सर्वर में खेलते हो तो आपकी MS हमेशा यानी कि पिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, बट अगर आप वहीं किसी और जाके सर्वर में जाके खेलते हो तो वो काफ़ी बेकार होगी। अब इसके बाद अगला जो हमारा रीज़न है ये हमारे फ्री फायर की गलती है, क्योंकि यहाँ हमारे जो अगला रीज़न वो है नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, मतलब कि भाई जो फ्री फायर के जो नंबर्स ऑफ प्लेयर्स हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जहाँ पे 1000 बंदे कल खेलते थे वहाँ आज 1,00,000 बंदे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे
क्या हो रहा है कि ये लोग अपने जो गेमिंग सर्वर का तो साइज तो बढ़ा नहीं रहे। कल भी जो उसका गेमिंग सर्वर था वो आज, बट यहाँ जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी को हर 1000 में से 10 बंदों को गेमिंग लैग का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है, या 10 तो नहीं है, 100-200 बंदों को सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से ये लैग बढ़ता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस लैग को हम लोग कितनी कैसे कम करें। तो इस लैग को कम करने के लिए मैं कई सारे सॉल्यूशन बता सकता हूँ आपको, जिसमें से पहला सॉल्यूशन आती है जैसे पिंगर जैसी कई सारी एप्लीकेशन आती है, उनका आप यूज़ करो, जिससे कि आपका जो लैग हो वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सॉल्यूशन है कि अपने फ़ोन को एक बार रीसेट पक्का मार दो, यानी कि कभी भी आप गेम्स खेलने जाओ अपने फ़ोन में, किसी भी बैटल ग्राउंड गेम को खेलो या फ्री फायर को खेलो, तो उससे पहले अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट मार दो, जिससे कि आपकी जो बैकग्राउंड में जो ऐपें चल रही होंगी वो काफ़ी कम हो जाएंगी, और आपका जो बाकी जो पिंग आपका उन गेमिंग उन ऐप्स में जा रहा था वो अब इस गेम में आ जाएगा। अब आप तीसरे नंबर पर क्या कर सकते हो कि अपने जो कंट्री है उसका सर्वर ढूंढो, मतलब कि आप किसी भी गेम में जाके पक्का एक बार ये चेक करके आओ कि भाई मैं अपने कंट्री के सर्वर से खेल रहा हूँ या आसपास की कंट्री के। कई बार आप चाइना के सर्वर से खेल रहे हो तो जो कि काफ़ी दूर हो जाता है, और या फिर आपको इंडिया का सर्वर आपको अवेलेबल होता है बट आप फिर भी चाइना के सर्वर से जाके खेल रहे हो। तो यार थर्ड जो सॉल्यूशन है वो ये है कि अपने कंट्री का सर्वर ढूंढो, मिल रहा तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप पिंगर जैसी एप्लीकेशंस का यूज़ करो। तो बस ये वीडियो यहीं थी, और अगर आपको कोई सी भी और प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है आपको। और आज की वीडियो बस यहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। टाटा बाय।